आदिवासी वह गरीबों का मसीहा कमलेश्वर जी डोडियार सर पर राजनीतिक दबाव से जिला बदलने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने की थी। उसके बाद जयस ने रैली निकालकर उनका विरोध किया। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर महोदय ने इस कार्रवाई को निरस्त करने का आश्वासन दिया है। आज जो एक गरीब रूप मसीहा जो कि कमलेश्वर डोडियार जी के नाम से जाना जाते हैं, उनके ऊपर जिला बदल यानी कि 5 जिलों से बाहर करने का आदेश जो कलेक्टर साहब ने निकाला था, उनका उन जो जिला बदल को हम उसको खुलकर विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि वो पिछड़ा एवं गरीब आदमी जो उसको समस्या को लेकर रात दिन एक करके समाज के बीच में समाज को जगाने की काम कर रहा है, उसको किसी पॉलिटिक्स या फिर किसी और अन्य दबाव के कारण उसको जिला बदल यानी कि जिले से बाहर करने की साजिश की जा रही है। उसका आदिवासी परिवार एवं जयस खुलकर आंदोलन करता है और कुछ ही समय का श्रीमान जी को हमने निवेदन दिया है, अगर 8-10 दिन के अंदर यानी कि अभी ही जिला बदल की कार्रवाई बंद नहीं होती है तो आदिवासी परिवार उग्र आंदोलन करेगा। क्या लगता है कि चुनाव को प्रभावित करने तो राजनीतिक दल जो है इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? जी श्रीमान जी बिल्कुल, इनको डर है, दोनों पक्ष को बीजेपी और कांग्रेस को खुलकर इनको डर है कि अगर ये कमलेश्वर डोडियार यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंदर रहा है तो इनका पार्टी पॉलिटिक्स का झंडा फूटने वाला है, इसलिए उस आदमी के ऊपर दबाव बना के उसको जिला से बाहर। अभी आप मिले थे कलेक्टर महोदय से, उनसे क्या बात हुई? उन्होंने कलेक्टर साहब ने आश्वासन ये दिया है कि उनको जिला बदल नहीं किया जाएगा, ये उनके दिल के अंदर से उनकी भावनाओं के अंदर से बोला है। अब कमलेश्वर सर को बिल्कुल बेवजह अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया है तो उनको बिल्कुल कोई ताकत ही नहीं कि कोई उनको जिला का बदल कर सके। उन्होंने 2-3 दिन का समय दिया है और वो आदेश निरस्त हो जाएगा। तब तक की समय सीमा है, आपकी उसके बाद यदि नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? श्रीमान जी अगर 3 और 4 दिन के अंदर अगर जिला बदल का कार्रवाई की यानी कि ये नोटिस वापस रिटेन नहीं होता है तो आदिवासी परिवार जय से आदिवासी परिवार के तले हम लोग उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। आपका सर? मेरा नाम केशुराम मीनामा।